हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल मास्टर में स्वागत है। हम कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाली मैथ्स का एक टॉपिक प्रायिकता इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रायिकता, पहले हम प्रायिकता के बारे में समझते हैं कि प्रायिकता क्या चीज़ होती है। प्रायिकता का अगर मैं दूसरा नाम बोलूं तो मैं बोल सकता हूं संभावना, यानी भी किसी भी एक घटना के होने की संभावना। अब घटना से इधर मतलब किसी का एक्सीडेंट होना नहीं है, इधर घटना से मतलब है कोई भी एक इवेंट। जैसे कि मैंने एक बैग ले लिया, इस बैग में मैंने 4 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल और 6 ब्लैक बॉल डाल दी। तो आपको इसमें से, मैं बोलता हूँ कि इसमें से आपको एक रैंडमली बिना देखे यादृच्छिक एक बॉल को निकालना है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकलने वाला बॉल आपका रेड होगा, यही आपका प्रायिकता है। तो इसके लिए हम प्रायिकता का एक फॉर्मूला याद रखते हैं कि प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे वे कुल परिणाम। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब इधर संभावित, एक संभावित परिणाम से क्या मतलब है? संभावित का मतलब है कि जो क्वेश्चन हमसे किया गया है उस क्वेश्चन के संभावित परिणाम क्या क्या है, उससे रिलेटेड हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं क्वेश्चन में से। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रायिकता के अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे जो मतलब हम लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, एक तो वो होता है हमारे ताश के पत्तों वाला, एक सिक्के वाला और एक हमारा लीप और अलीप वर्ष वाला, लीप अलीप वर्ष ये वाला। अब इस वाले टॉपिक के अंदर हम ये वाले टॉपिक तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, इसके साथ में हम कुछ एक्सटर्नल टॉपिक भी क्लियर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन किया कि आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 तो पिंक बॉल, 4 रेड बॉल और 6 वाइट बॉल है। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बॉल आपका रेड बॉल होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बॉल रेड बॉल होगा। तो आपको ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में हमसे रेड बॉल की प्रायिकता पूछी है, तो रेड के फेवर में यानी रेड के संभावित परिणाम कितने हैं? 4। 4 से ज़्यादा तो रेड हो ही नहीं सकती, तो आप इधर लिखोगे 4 बटे वे, संभावित परिणाम 4 हो गए। कुल परिणाम, अब कुल कितनी डाली गई बैग में? 3 और 4 7 और 6 13, यानी इसकी प्रायिकता हो गई 4/13। तो बताइए आपके इतना समझ में आया? ठीक है, अब उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की इतनी चीज तो अभी तक समझ में आई होगी। अब मैं आपको कहता हूं कि एक बैग में या एक बॉक्स में 132 पेन तो अच्छे हैं और 12 पेन खराब हैं, दोनों को मिला दिया गया। अब बिना पेन को देखे या देखकर पिन पेन को हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन खराब है। मैंने दोनों ही तरीके के पेनों को मिला दिया। अब इंस्पेक्शन करने आया और इंस्पेक्शन वाले ने पेन को निकाला, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन अच्छा पेन होगा। तो अच्छे पेन के संभावित परिणाम यानी अच्छे पेन के फेवर में कौन कौन है? 132 पेन अच्छे के फेवर में है, तो संभावित परिणाम 132 और कुल परिणाम 132 और 12 144, क्योंकि दोनों ही प्रकार के पेनों को मैंने एक साथ मिला दिया था। ठीक है, तो 132/144 आपकी प्रायिकता है अच्छे पेन की। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि खराब पेन की प्रायिकता होगी 12/144, तो 12 × 12 और इसको काटेंगे तो 1/12, ये आपका खराब पेन की प्रायिकता। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कहता है कि आपने एक पेन निकाला और निकाला गया पेन अच्छा पेन था और उसको साइड में रख दिया गया, उसको यानी कि वापस मिला या नहीं गया, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि पेन खराब होगा। तो अब पेन खराब होगा तो पेन के फेवर में तो 12 ही है, क्योंकि निकाला गया पेन तो अच्छा था, तो टोटल परिणाम में आपके फर्क पड़ जाएगा 143 हो जाएंगे, ये आपकी
किसकी प्रायिकता है? खराब पेन की प्रायिकता है जब पहली बार में अच्छा पेन निकाल कर हटा दिया गया है। ठीक है, ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। अब इससे रिलेटेड आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी प्रायिकता 0 से छोटी और 1 से ज़्यादा नहीं होती, यानी 0 से छोटी और 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, और सभी जो उसके किसी भी क्वेश्चन यानी एक घटना की जितनी भी हम प्रायिकता निकालेंगे और उन सभी का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अभी मैंने क्या बोला कि प्रायिकता को पी ऑफ कोई एक्स है या कोई पी ऑफ ए, यानी कि ए कोई इवेंट है। जैसे कि इवेंट का मतलब अभी हमने बैग को बॉल को बैग में डाला था तो एक तरीके से इवेंट है, तो मैंने बोला पी ऑफ ए जो है वो अगर उसको मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ, या पी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। किसी भी इवेंट के यानी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है, और प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी, यानी हमेशा मान 0 से 1 के बीच में निकल कर आएगा। अब मैं कहता हूँ कि किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रायिकता क्या है, अगर ये प्लस का होता चल जाएगा तो माइनस का। इसको मैं एक एग्जाम्पल के उस पर तौर पर समझता हूँ। मैंने कहा कि अगर राम और श्याम शतरंज का खेल खेल रहे हैं, अब राम के जीतने की प्रायिकता 0.35 है। राम के जीतने की प्रायिकता 0.35 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि श्याम जीतेगा। अब श्याम कब जीतेगा? जब राम हारेगा। श्याम कब जीतेगा? जब राम हारेगा। यानी क्वेश्चन इसका ये भी हो सकता है कि राम के हारने की क्या प्रायिकता है, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता कैसे निकालोगे? वन माइनस 0.35 इज इक्वल टू 0.65। ये राम श्याम की जीतने की प्रायिकता या राम के हारने की प्रायिकता? देखो, राम के जीतने की प्रायिकता 0.35 है, तो राम के हारने की प्रायिकता भी 0.65 हो गई। और इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ये हमारे बेसिक क्लियर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो गए। अब जो हमारे डिफिकल्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हमारे ताश के पत्ते वाले। तो ताश के पत्तों को सोल्व करने से पहले हमें ताश के पत्तों के बारे में मालूम होना चाहिए। ताश के कुल पत्ते जो हैं वो 52 पत्ते होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। इन 52 पत्तों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मैंने बोल दिया आपको चीड़ी, दूसरा मैंने बोल दिया लाल पान, तीसरा बोल दिया मैंने ईंट, और चौथा बोल दिया मैंने हुकुम। ये काम करते हैं, हुकुम को इधर ही ले लेते हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो। हुकुम, ईंट और लाल पान, ये 52 पत्तों को जब मैं बराबर के 4 भागों में बांटूंगा तो ये सभी पत्ते 13-13 होते हैं। अब बात ये आती है, पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा कि एक वेल सफल डेक यानी कि एक अच्छी प्रकार से फेटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। एक पत्ता यादृच्छिक यानी बिना देखे निकाला जाता है, तो उस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो पत्ता चिड़ी का होगा? वो पत्ता चिड़ी का होगा। अब हमको ये देखना है कि चिड़ी के फेवर में कितने पत्ते हैं। चिड़ी के फेवर में 13 पत्ते हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो वो चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता कितनी होगी? 13/52, यानी कि 13 × 13 = 52, यानी कि 1/4। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने ये कर लिया कि एक वेल सफल डेक यानी कि एक अच्छी प्रकार से फेटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता ईंट का होगा? तो ईंट के फेवर में कितने हैं? 13। टोटल कितने हैं? 52। तो 13/52 यानी 1/4। इसी से रिलेटेड आप इसके कितने क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। चीड़ी और हुकुम आपके काले कलर के होते हैं। ये भी काला होता है, ये भी काला होता है, ये लाल होता है, ये भी लाल होता है,
यानी कि हम बोला जाए तो 26 तो लाल होते हैं, 26 तो लाल काले होते हैं और 26 ही लाल होते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ कि एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता काला होगा। तो काले के फेवर में कितने हैं? 26। टोटल कितने हैं? 52। तो 26/52 यानी कि 1/2। काले पत्ते होने की प्रायिकता 1/2। इसी प्रकार लाल पत्ते के होने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चिड़ी के 13 पत्ते होते कौन कौन से हैं? बादशाह होता है, बेगम होती है, गुलाम होता है। फिर उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक नहीं बोलेंगे, इक्का बोलेंगे। ठीक है, वही सेम पत्ते इसमें होते हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम और एंड में इक्का। वही तीन पत्ते इसमें होते हैं, 13 पत्ते इसमें होते हैं, एंड में इक्का। और वही 13 पत्ते इसमें होते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक अच्छी प्रकार से फेटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। अब आपको गिनना है कि बादशाह कितने हैं? 1, 2, 3, 4। यानी कि बादशाह के फेवर में कितने पत्ते हुए? 4। कितने में से हुए? 52 में से, यानी 4/52 यानी कि 1/13। एक एग्जाम्पल और ले लिया। अब के मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करा कि एक पत्ता निकाला जा रहा है अच्छी प्रकार से फिटी हुई गड्डी में से, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जा रहा है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि बादशाह लाल रंग का होगा। बादशाह लाल रंग का, अब लाल रंग के पत्ते कौन कौन से? ये और ये, तो बादशाह भी लाल, 1 और 1 2, यानी 2/52 यानी कि 1/26। ठीक है, अब और आगे बढ़ा कि एक अच्छे प्रकार की फेटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जा रहा है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा। अब इक्का कितना है? 1, 2, 3, 4 यानी कि 4/52 1/13। और वही लाल काले इक्के की बात करते हैं तो 2/52। लेकिन अब मैं आपको ये कहता हूँ कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता चिड़ी का बादशाह होगा। अब चिड़ी के बादशाह तो केवल एक ही होगा, चिड़ी के नीचे बादशाह केवल एक ही, ये तो ये हुकुम का बादशाह है, ये ईंट का बादशाह है, ये लाल पान का बादशाह है, तो चिड़ी का बादशाह एक है, तो चिड़ी के बादशाह के फेवर में कितने हुए हैं? 1। कितने में से? 52 में से, तो 1/52 आपका आंसर होगा। अब इसमें ये तीन पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, इसमें ये तीन पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, इसमें ये तीन पत्ते तस्वीर वाले होते हैं और ये तीन पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। अब मैं कहता हूँ कि एक अच्छी प्रकार की फेटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला पत्ता होगा। तो तस्वीर के पत्ते में फेवर में कौन है? 12/52 यानी कि 12 को 52 से डिवाइड करना है, तो हम करते हैं 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 3/13 ये आपका आएगा तस्वीर वाला पत्ता। लेकिन अब मैं यही क्वेश्चन घुमा के कह देता हूँ कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 3 और 3 6 तो हुए, तो 6/52 क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आपकी प्रायिकता के ताश वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। आप अपने नेट पर जाइए और एक दो क्वेश्चन उठाइए और आपको फिर भी ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं जिसके अंदर हम करेंगे सिक्के वाला। अब हमारे दो टॉपिक और बचे हैं, एक सिक्का वाला और एक वर्ष वाला। तो अब मैं चाहता हूं कि आप पहले ताश के पत्ते वाले और जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करे थे जिसमें से 1 में से माइनस हो रहा था, आप उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें और उस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं और मैं उसको सॉल्व करके आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अब सिक्का और जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक बचा है वर्ष, वो वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो भी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहा है डिजिटल मास्टर में, पहली बार ज्वाइन हुआ है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।